दीवाने हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहाँ पर आए तो उनके हमारे अप्पा हूँ, ये यहाँ के नहीं है वो वहाँ के है, यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे, क्या लिखा था गोलवालकर ने बी ऑफ नेशन डिफाइन में, तुमने जाहिर कर दिया तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे, कांग्रेस ऐसे लोगों को लेते जो आरएसएस की जबान में बोलते। अब ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुमटी को भी पर निकल गए, अब ये बोल दिया कि असदुद्दीन अवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए, अरे दीवाने हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्हों है, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या, तुम कहां से आए बताओ, मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए तुम, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी ये जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया, ये सोच है इसके शरीर इस जमात के सदर की, ये यहां के नहीं है वो वहां के, यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे, क्या लिखा था गोलवालकर ने वीर और नेशन ऑफ डिफाइन में, यही तो बात की थी आरएसएस के सर संचालक के बयान पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने वो ये कहते कि मुसलमान इस इस्लाम इस मुल्क का नहीं है बाहर से आए, तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर, मगर याद रखो तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ तुमने तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो नफरत है मुसलमानों के लिए तुमने जाहिर कर दिया तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसकी उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे, तो याद रखो हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका, 1999 में आपको याद होगा जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए, मैं देखा अपनी आंखों से इसको, इसको देखा मैंने कहां पर, ये गुड्डी मलकापुर की मार्केट उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ, अब हमको बोल रहे हैं हमको सबक, याद रखो तुम्हारा पूरा सिजरा हमारे पास है, तुम कब थे 1999 में, तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में थे तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रडू के पास चले जाओ जो जेल में है, तो चंद्रडू के पास गए, जब चंद्रडू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में, तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं।